देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के किसान नेता पाल भाई आंबलिया। पाल भाई, ये बताइए कि किसानों के क्या क्या मुद्दे हैं और खास करके फसल बीमा को लेकर जिस तरीके से सरकार की नीति है, क्या कहेंगे? देखो, गुजरात में 146% बारिश हुई है, 70 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई है। एक बार इस एक तरफ है ये इतनी बारिश, दूसरी तरफ किसान बर्बाद है, किसान आज हैरान है, परेशान है। और प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना जो है वो आ फसा जा योजना की तरह है। वो इसीलिए है कि कल ही मुझे गुजरात के सचिव ने रिटर्न में दिया है कि आज तक हमारे पास गुजराती में गाइडलाइन अवेलेबल नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री को गुजराती में बोलने में फाफा पड़ जाता है, तो गुजरात के किसान है वो इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, कैसे बीमा योजना को समझेंगे और कैसे उनकी डिमांड मांगेंगे? जिस तरह से गुजरात में लैंड रिसर्वे का इश्यू है, उसके खिलाफ हमने जो मूवमेंट चलाई, उस मूवमेंट के आधार पर सरकार ने गुजरात के दो गांवों को सैंपल टेस्ट कर लिया। दो सैंपल टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो 650% गलती है, 650% उसके अंदर भूलो है, ये गवर्नमेंट ने ऑन पेपर एक्सेप्ट किया है। नामदार हाईकोर्ट के समक्ष गुजरात गवर्नमेंट ने अपना सौगंदनामा रजू किया है, उसमें भी उपनेस ने किया है, फिर भी आज उनका परिणाम सुनिया है। एक भी लोग की धरपकड़ नहीं हुई है, एक भी लोग आज जेल में नहीं है। उसके बाद आप मगफली को भांड देख लो, जिसके अंदर भी जांच समिति बैठी, जांच समिति का रिपोर्ट आया, कुछ नहीं। क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कहाँ पर? जिस गोडाउन में लाइट ही नहीं है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ। इस तरह से आप खाद का गोभांड देख लो, खाद में क्या आया? यही आया कि उसमें भेज है, इसके कारण खाद में वजन घट हो रहा है। जितनी भी जाँच समिति बनी है किसानों को लेकर, उस जाँच समिति सिर्फ और सिर्फ गुनहगारों को बचाने के लिए बनी है। आज हमारे बेटे बेटियाँ जो एग्जाम देकर, हम किसान जो अरमान देख रहे थे कि मेरा बेटा कहीं ना कहीं नौकरी पे लग जाए, वो अरमानों पे ये सीट है, वो इसीलिए बैठी है कि किसी की सीट जा रही थी, वो सीट बचाने के लिए एसआईटी की रचना की गई है। और वो जिस तरह से किसानों के साथ जितनी भी समितियां बनी है, उस समितियों ने सिर्फ और सिर्फ गुनहगारों को बचाने का काम किया है। ऐसा आज हमें लग रहा है कि हमारे बच्चों के लिए भी बनी हुई जो जाँच समिति, मतलब एसआईटी है, वो कहीं ना कहीं गुनहगारों को बचाएगी। इसीलिए हम आज एसआईटी का विरोध कर रहे हैं और किसानों की जितनी भी डिमांड है वो डिमांड रख रहे हैं। लेकिन सरकार ये कह रही है कि उन्होंने पैसे दिए हैं, सर किसानों के लिए एक पैकेज अनाउंस किया है और उसी पैकेज के तहत वो किसानों को पैसे भी देंगे। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना है, उसके तहत उसमें चार प्रकार के जोखिम अलग अलग तय किए गए हैं। उस आधार पर अगर पर्सनलाइज कोई भी इंसान उसके अंदर अप्लाई करता है तो उनका पर्सनलाइज उनका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, वो नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, जो सरकार ने दिया है वो एसडीआरएफ की जोगवाइयों की तरह दिया है। सिर्फ गुजरात गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट ने, इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी दिया था, ठीक है। पैकेज वो है गवर्नमेंट का, एक अपनी आप फर्ज में है, तो वो गवर्नमेंट अपनी फर्ज निभा रही है, इसमें कोई बड़ा काम नहीं कर रही है, कोई उपकार किसानों पे नहीं किया है। और प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना आप देख लो, उसमें कायदेशर ये सरकार है वो कंपनी को बचा रही है। कैसे? 72 कलाक के अंदर किसानों को एप्लीकेशन करना था, तो वो जो नॉर्म्स था उनके अंदर एकदम कस के बैठ गई गवर्नमेंट सामने। बीमा कंपनी को 72 कलाक के अंदर अपना आकारणी ऑफिसर की नियुक्ति करनी होती, वो नहीं किया। 7 दिन के अंदर सर्वे करना होता है, वो नहीं हुआ। बीमा कंपनी का इंसान है, वो मिनिमम उनकी लायकात है वो बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, वो किसी के पास नहीं है, फिर भी वो लोग अपनी हमारी जो नुकसान है वो सर्वे कर रहे हैं। 15 दिन के अंदर किसानों को पेमेंट करना है, वो नहीं हुआ है। जो जो नॉर्म्स थे वो नॉर्म्स में कंपनी को सरकार ने बचा लिया। सरकार, आपका आरोप है कि सरकार कंपनी को बचा रही है? मैं वही बोल रहा हूँ, पहले कंपनी को बचा लिया, बाद में हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ये बीमा कंपनी हमारे नियंत्रण में नहीं है। अरे आप कैसे मुख्यमंत्री हो? हमें लानत है, हमें शर्म आ रही है कि आप बीमा कंपनी भी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी सरकार, आप बोल रहे हो हमारी 56 इंच की सरकार है। अरे ऐसी 56 इंच की सरकार पर लानत है कि जो गुजरात के अन्नदाता है, उस अन्नदाता का जो अधिकार है वो अधिकार देने से आज बीमा कंपनी निकल रही है, छटक रही है, और उनको आप मौका दे रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसानों की बात की जाए तो सरकार बार बार ये कह रही कि चाहे बिजली के दाम हो, पानी पहुंचाना हो, या फिर जो फसलों के दाम हो, वो सारी चीज़ों में किसानों को सबसे ज़्यादा सरकार दे रही है। देखो, एसडीआरएफ की जोगवाई है, उसके तहत सिर्फ और सिर्फ पाक नुकसानी की जोगवाई नहीं है, उसमें भी एसडीआरएफ के पीएत और दो बिन पीएत दो पार्ट है। जहाँ पर पानी है
वहाँ पर 13,500 देना है। आप देख लो पूरे गुजरात में कहीं पर भी 13,500 की गुजरात गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया है। गुजरात गवर्नमेंट इनडायरेक्ट खुद एक्सेप्ट कर रही है कि हम पानी नहीं दे रहे हैं, हमारे यहाँ पियत विस्तार ही नहीं है, बिन पियत सारा विस्तार है। ये उसने खुद ये पैकेज से डिक्लेयर किया है, एक भी जगह गुजरात में एक हेक्टर भी पियत विस्तार नहीं है, ये पैकेज से गवर्नमेंट ने खुद ने अप्रूव किया है। मतलब सरकार है किसान विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। ये बीमा कंपनियों के साथ मिलकर किसानों को जू की तरह चूस रही है, किसानों को बर्बाद कर रही है, और सरकार को सिर्फ और सिर्फ पिछले दरवाजे से कहां अपने पक्ष के लिए फंड आ रहा है उसी से है, उससे किसानों से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, ये थे कांग्रेस के किसान नेता पाल भाई आंबलिया, जिनका कहना है कि ये सरकार जो है वो किसान विरोधी सरकार है, और खास करके जो फसल बीमा है वो सरकार और उन कंपनियों के साथ मिलकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। कैमरामैन उज्जवल उदा के साथ गोपी गांवकर, गांधीनगर, गुजरात तक।